सभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टी रवाना होने का सिलसिला जारी है। नवस्था के गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। इस बार कोरोना के संक्रमण के चलते कोरोना किट भी दी जा रही है, जिसमें थर्मल स्कैनर, मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं। नवस्था गल्ला मंडी में सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए हो रही रवाना। सभी सीमाएं सील 8 किलोमीटर की दूरी तक शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उपचुनाव को लेकर आज सुबह 8 बजे से नवस्था गल्ला मंडी से 531 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 481 बूथों के मुताबिक 481 पोलिंग पार्टियां मुस्तैद रहेंगी। 48 पोलिंग पार्टियां रिजर्व में रखी गई हैं। घाटमपुर उपचुनाव में 84 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं, उन पर विशेष निगरानी रहेगी। पीएसी तक रहेगी मुस्तैद, लाइव टेलीकास्ट भी होगा। अप्रिय घटना होने पर तत्काल किक रिस्पांस टीम पहुंचेगी। सभी टीमों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, जहां पर पोलिंग पार्टी भी गल्ला मंडी में आज आई हुई है और पूरी तरह से तैयारियां करी जा रही हैं। आंकड़ों की बात करी जाए तो 380,000 मतदान है, जिसको लेकर के 400 पोलिंग बूथ रहेंगे, जिसको लेकर के 319,000 मतदान है, जिसको लेकर के 8,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। कानपुर से मानसून श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम न्यूज़।